नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोतवाली थाना अंतर्गत शिया ज्वेलर्स में नकली चांदी की सीली बेचने की फिराक में पहुंचे दो ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जहां कोतवाली थाना प्रभारी अनिल गुप्ता ने बताया कि शिया ज्वेलर्स की दुकान में दो युवक आए और चांदी की सीली बेचने की बात कहकर बदले में चांदी के जेवर खरीदने की बात कहकर दुकान संचालक को दो चांदी की सीली दी। जहाँ दुकान संचालक कृष्ण कुमार सोनी ने चांदी की सीलियों को चेक किया तो ऊपर से चांदी सीली में पाई गई, लेकिन जब दुकान संचालक ने बारीकी से जांच की तो अंदर सिलियां नकली पाई गई। वही दुकान संचालक ने दोनों युवकों को पकड़ते हुए थाने में शिकायत की, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी अभिषेक सोनी और आकाश नामदेव निवासी कोतवाली को गिरफ्तार करते हुए विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सर, चांदी की सिल्ली जो बरामद, क्या है? ये कल 5 तारीख का प्रकरण है। शाम करीब 4:30 के आसपास का घटनाक्रम है। श्रेया ज्वेलर्स की दुकान है सराफा बाज़ार में। उनके संचालक कृष्ण कुमार सोनी, इनके पास में दो व्यक्ति चांदी की, जिसको पगा बोलते हैं, चांदी की सिल्ली टाइप सामान लेकर बेचने के लिए वहां पर पहुंचे थे। जिसको उनके द्वारा टेस्ट किया गया तो ऊपर से तो सामान चांदी का असली दिखाई देता था, लेकिन जब बारीकी से उनको परीक्षण किया तो दोनों चांदी की सिल्लियाँ नकली होना पाई गई। इनके द्वारा चांदी की सिल्ली दी जाकर चांदी के असल जेवर प्राप्त किए जा रहे थे। दुकान संचालक के द्वारा मौके पर ही इनको पकड़ा गया और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई, जिसमें दुकान संचालक कृष्ण कुमार सोनी की तरफ से 420 का अपराध दोनों आरोपी गणों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। इसमें आरोपी आकाश नामदेव कोतवाली क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और अभिषेक सोनी इंद्राणा के मजबूरी के रहने वाले हैं। दोनों ही आरोपी गिरफ्तार किया गया है। इसमें चांदी की नकली सिल्लियाँ बरामद की गई हैं। आज इनको न्यायालय पेश किया जा रहा है। तुम तो बस अग्रवाल को ध्यान देना, बाकी सबकी कोई दिक्कत नहीं। अग्रवाल अग्रवाल नहीं लगेगा। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।